हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। थोड़े दिन पहले एक न्यूज़ वायरल हुआ था कि कुरकुरे में प्लास्टिक आता है और कुरकुरे जलते हैं। तो आज हम सच में उसका प्रयोग करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कुरकुरे जलते हैं या नहीं। मेरे पास है ये कुरकुरे का एक पैकेट, इसको मैं तोड़कर देख रहा हूँ कि सच में इसमें प्लास्टिक होता है या नहीं। तो गाइस, मैं कुरकुरे को जला रहा हूं तो सच में कुरकुरे तो जल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये कुरकुरे जल रहे हैं, तो क्या इसमें सच में प्लास्टिक होगा? और मेरे पास एक स्नेकर, उसका पैकेट ले रहा हूं और ये जला रहा हूं। गाइस देख सकते हैं ये भी जल रहा है, तो क्या इसमें इसमें भी प्लास्टिक होगा? बस एक चिप्स का पैकेट है, उसको भी तोड़कर मैं जलाता हूं और आप देखेंगे। गाइस आप देख सकते हैं ये चिप्स भी जल रहा है, तो इसका रीजन क्या है? ये जल रहा है, उसका रीजन क्या है? मेरे पास एक कटोरी और ये पानी है और इसमें मैं कुरकुरे को भिगोऊंगा और आपको बताऊंगा कि प्लास्टिक होगा तो इसमें दिखाई देगा। तो गाइस आप देख सकते हैं कि इसमें कहीं प्लास्टिक नहीं दिख रहा है। जो वीडियो वायरल हुआ था वो सच था या फेक, उसका रीजन मैं आपको बताने वाला हूं। तो कुरकुरे बनते हैं मकई के आटे के, तो इसका सही रीजन यह है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत मात्रा में आता है और कार्बोहाइड्रेट जलता है, इसलिए इसमें जैसे ही हम आग लगाते हैं वैसे ये जलता है। जो भी चीज मक्के की बनी होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत मात्रा में होता है। हम जो घर पे रोटी बनाते हैं वो गेहूं की बनती है और उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है। जो सूखी रोटी हो वो आप जलाकर देखना, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होगा। तो क्या ये जानकारी आपको पहले से पता थी या नहीं, मुझे कमेंट वेट में जरूर बताना। और आपको ये न्यूज अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं अपने अगले ऐसे ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।